सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी राकेश चंबाल ने अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए डहर और कांगू में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों के घर द्वार जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। भाजपा प्रत्याशी राकेश चंबाल ने जनता से 5 साल देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, इसी कार्यकाल में उन्हें भी विधायक बनाने का मौका दे। उन्होंने पिछले विधायक रहे सोनलाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सड़क के बिना ही उद्घाटन करने का खिताब उन्हें मिलना चाहिए। पिछली सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, विधायक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। विधायक चुनने के पश्चात उस व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो अपने विधानसभा के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे, वहां की समस्याओं को लेकर विधानसभा में उठाए, सरकार से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आए। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, हमारे विधायक महोदय सत्ता सुख में मस्त रहे, उन्होंने 5 वर्ष तक उनको जनता की याद नहीं आई। आज जब 5 वर्ष के बाद चुनाव आ गया तो लोगों के बीच आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर सांसद रामशिव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में हुआ वो इस बार नहीं दोहराया जाएगा, भाजपा एकजुट है और ठाकुर रूप सिंह का आशीर्वाद राकेश चंबाल के साथ है। कांग्रेस का जो ड्रामा था, जो बड़े आनंदमय ड्रामा था कि कांग्रेस वाले इस उम्मीद में थे सोनलाल ठाकुर जी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ेगी और मेरी लाठी दूसरी बार निकलेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में ठाकुर रूप सिंह ने एक बार पुनः भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और राकेश चंबाल को विधानसभा भेजने के लिए कमल के फूल पर मोहर लगाने की अपील की। आज जो प्रदेश की हालत है उसके बारे में तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश सरकार की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। सारे प्रदेश के अंदर विकास के काम सारे के सारे बंद पड़े हैं। इस मौके पर लगभग 11 परिवार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। की चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।